नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। दक्षिण हरियाणा के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले केंद्रीय मंत्री से जब अहीर रेजिमेंट को लेकर सवाल पूछा तो जरा देखिए राव साहब कैसे पतली गली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही राव इंद्रजीत है जो बयान बहादुर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जब राव साहब से 18 दिसंबर को होने वाले अहीर रेजिमेंट महापंचायत को लेकर सवाल पूछा गया तो राव साहब चुप्पी साधते हुए मौके से निकल पड़े। 18 नवंबर को अहीर रेजिमेंट की मांगों को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, इसका। वहीं केंद्रीय मंत्री ने नशे से युवाओं को बचाओ जैसी अपील भी की। केंद्रीय मंत्री की माने तो जैसे पंजाब के युवाओं को नशे का घुन बर्बाद करने में लगा है, वैसे ही हरियाणा के कुछ जिलों में भी युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। देखो, खेलो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ब्रेन चाइल्ड है। हमारा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ के यहाँ पे लोग रहते हैं और फिर भी हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर वो भागीदारी होने के बावजूद मेडल्स पूरे तौर के ऊपर हमारे को नहीं मिलते। ये दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार की नीति है, हमारे प्रधानमंत्री की नीति है कि खेलो इंडिया के मार्फत हरेक प्रांत से, हरेक ज़िले से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तय किए जाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर हम न केवल एबल बॉडीड ओलंपिक्स के अंदर अपनी प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर पाएँ, लेकिन इवन एबल बॉडीड के नहीं, जो हैंडीकैप कैटेगरी है उसके अंदर भी, जो कहते हैं पैरा ओलंपिक्स, उसके अंदर भी हमारा खेल खिलाड़ी तैयार करे जाए। तो हम समझते हैं कि ये जो अगला ओलंपिक्स आएगा 2029 में आएगा, मेरे ख्याल से 2026 में नहीं, उसके बाद आएगा फिर 30 में। उस तक हमारे खिलाड़ी यहाँ से तय हुए और आने वाले समय के अंदर अच्छी तरह से हमको मेडल मिले, भारत इंटरनेशनल फील्ड के अंदर खिलाड़ी देश माना जाए, ये हमारी आशा है। सर, जैसे हरियाणा के आदमी कुश्ती में और हॉकी में कर रहे हैं, ऐसे ही क्या सभी खेलों में कर पाएंगे और आगे हरियाणा का नाम फिर रोशन होगा? देखो, हरियाणा के लोग बॉक्सिंग के अंदर भी आगे हैं, हरियाणा के लोग शूटिंग के अंदर भी आगे हैं, कुश्ती के अंदर तो हैं ही हैं, और सब जो खेल हैं बकाए हैं उनको भी ये कोई कसर नहीं छोड़े, मैं कही ये उम्मीद है। सर, कहीं ना कहीं अब नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करें? देखो, ये समस्या नशे वाली, हमारे कुछ दुश्मन देश ऐसे हैं जो ये एक बैकडोर लड़ाई लड़ रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर इसका काफ़ी प्रकोप है, काफ़ी हमारी यूथ वहाँ की ख़राब होने लग रही है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सरकार भी लड़ रही है, आम जन को भी लड़ना चाहिए। और ये हरियाणा के भी कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए हैं, फाजिलका भोर के साथ जो लगते हुए हैं, उस एरिया के अंदर भी कुछ इसका प्रकोप होने लग गया है। तो हम अपनी तरफ से तो यही लोगों को निर्देश देना चाहते हैं और सहयोग लेना चाहते हैं कि कम अज़ कम बच्चों को ये ड्रग्स का इस्तेमाल कतन नहीं करना चाहिए। हरियाणा आज के दिन नंबर 1 पे है प्रदेशों के अंदर, इंडिया के अंदर, और अगर ये ड्रग्स लेने लग जाते हैं तो बहुत बुरा होगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेलों में कार्यक्रम में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ऐसे में जब उनसे अहीर रेजिमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो वो हड़बड़ा से गए और मीडिया से रुख करते हुए निकल गए। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले।